अब यहाँ पे आगाज हो चुका था WWW वर्ल्ड वाइड वेब का। असल में वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब आप जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, हम यूट्यूब ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें सबसे पहले WWW आता है, देन डॉट के बाद उस वेबसाइट का एड्रेस स्टार्ट हो जाता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब एक दरअसल ग्लोबली कनेक्टेड एक सिस्टम है जिसके थ्रू दुनिया की तमाम वेबसाइट्स थ्रू हाइपरलिंक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब ये ग्लोबल मीडिया ही है जिसमें पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया के जो इदारे हैं, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या स्कूल, या इसके अलावा मिलिट्री है, या किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री की कोई गवर्नमेंट है, ये सभी की सारी जो इदारे हैं ये थ्रू वायरलेस, थ्रू गाइडेड मीडिया या थ्रू सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब एक स्टार्ट कहाँ से होता है कि आपने जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस से मिलके एक वेबसाइट बनती है, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स का जो कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड वेब का नाम उसको दिया जाता है। अब आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो आप उस वेबसाइट का URL एंटर करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब उस वेबसाइट की जो का जो रिसोर्स है, जो जो भी उसका जो कंटेंट है, वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। जब हम उसको सर्च करते हैं, URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, कि वो रिसोर्स को लोकेट कर रहा होता है जिस भी सिस्टम में वो रिसोर्स, जिस सर्वर में वो रिसोर्स पड़ा होता है। दरअसल हम वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को एक ही चीज़ का नाम बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब एक और अलग चीज़ है और इंटरनेट एक अलग चीज़ है। इंटरनेट एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बाद हम एक वेबसाइट पे या किसी वेब पेज पे एक्सेस हासिल करते हैं। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स में पूरा पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसमें हम बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं। ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि कंपनीज हैं, इसके अलावा मोडेम्स, TP-Links, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और दूसरी केबल जिनके थ्रू हमें इंटरनेट मिल रहा होता है। इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं इंटरनेट। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब की रिसोर्स है, जो कि जहाँ पे आप किसी भी यूजर ने एक्सेस हासिल करनी होती है, वो रिसोर्स एक वेबसाइट के शक्ल में, किसी वेब पेज की शक्ल में वर्ल्ड वाइड वेब पे मौजूद होता है। वो कि पिक्चर हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, या कोई रिटन कोई भी कंटेंट हो सकता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर मौजूद होता है। अब उस कंटेंट तक जो हम रसाई हासिल करते हैं या एक्सेस हासिल करते हैं वो थ्रू URL करते हैं। अब किसी भी पेज पे या किसी वेब पेज पे हमने एक्सेस हासिल करनी है, उस वेब पेज का हम URL अपने एड्रेस बार पे लिखते हैं। जैसे ही उसका यूनिक यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एड्रेस एंटर करते हैं तो हमारे सामने वेबसाइट या वेब पेज ओपन हो जाता है। अब किसी भी वेबसाइट का ये रिसोर्स है या उसका जो डाटा है वो कहीं ना कहीं किसी भी सर्वर के ऊपर के अंदर मौजूद होता है जिसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं। अब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर क्या है कि वो रिसोर्स को लोकेट कर रहा होता है कि किसी किस जगह पर रिसोर्स पड़ा है, उसको लोकेट करके यूजर के सामने वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने वो प्रेजेंट कर देता है। URL के बाद हम बात करते हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये टेक्निकलिटीज हैं जो कि अगर आप वेब पेज की बात करें, जो जो वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है उनको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाता है, ये इसको हम फ्रंट एंड लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी एक नेटवर्किंग की टेक्निकलिटीज के टर्म्स हैं। ये तीन मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मिला के वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। ये था वर्ल्ड वाइड वेब का एक मुख्तसर सा तारीफ। हमने बात की कि इंटरनेट का आगाज कैसे हुआ, ये हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड वेब तक कैसे पहुंची। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है, कैसे एक डाटा या इंफॉर्मेशन जो किसी सर्वर में पड़ी होती है और हम तक कैसे वो हमारे सिस्टम में, हमारे स्क्रीन के सामने हमें नज़र आती है। तब तक के लिए अल्लाह।